हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली दो पार्ट में डिवाइड और देखेंगे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और फिर आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर आज के दिन में कैसी है। फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, सेकेंड कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स, थर्ड कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ कार्ड है सेवन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे व्यूअर्स की तरफ नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आज के दिन में। कलेक्टिव जो एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत प्यारी एनर्जी में हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है तो आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में आज के दिन में कोई साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है। नाइन नाइन की एनर्जी है, नाइन ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, किसी के भी साथ, ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर के साथ, अगर आपका पार्टनर आपका सोलमेट है या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट आपके लाइफ में आपके कुछ कार्मिक्स हैं, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपके लाइफ में कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई कलीग हो, किसी न किसी से आपको आज बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिल सकता है। इतना तगड़ा कि शायद आप उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, या आप उसे बिल्कुल से ब्लॉक कर दें, या आप उन्हें कुछ ऐसा बोल दें जिसका बाद में आपको पछतावा हो कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ कर दी या गलत कह दिया। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, तो बहुत सारे लोग आज के दिन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए लव वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इमेजिनेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में। कुछ ना कुछ आप इमेजिनेट करेंगे और वो चीज़ जो आप इमेजिन करेंगे वो चीज़ आपकी सरफेस पे आएगी, मतलब वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों का हाल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज के दिन में। सेवन ऑफ कप्स कन्फ्यूजन की एनर्जी है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या सही डायरेक्शन है, गलत डायरेक्शन है, वेट करना है, मूव ऑन करना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये वाली एनर्जी है इनसिक्योरिटी, फियर की एनर्जी है। तो ये एनर्जी कलेक्टिव है आज मेरे व्यूवर्स की। आपके पर्सन के हालचाल हैं, पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, देन वी हैव द वर्ल्ड, देन वी हैव फोर ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ है सेलिब्रेशन, शादी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, मेमोरीज़ की एनर्जी है, लव की एनर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आज के दिन में ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपसे बात हो रही है तब तो आपसे ये डायरेक्टली बात कर लेंगे, मिलने को बोल सकते हैं, बट अगर बात नहीं हो रही है तो आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो इनको आपकी एनर्जी पिक हो रही है, इनको एहसास हो रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे आपका हालचाल लेना चाहिए। तो ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर डेफिनेटली करेंगे। प्रिंसेस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख सकते हैं आपके ऊपर। साथ ही साथ आपकी तरफ कोई पैशनेट रोमांटिक सा जेस्चर हो सकता है। द वर्ल्ड की एनर्जी है समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, कोई एक साइकिल इनके भी लाइफ में एंड होने वाली है, जैसे कि आपके लाइफ में एंड होने वाली है इनके भी लाइफ में, मतलब मिररिंग चल रही है। अगर आपके कर्माज पूरी तरह से क्लिंज नहीं हुए हैं तो आपके कर्माज भी फाइनल फुल एंड फाइनल क्लिंज होंगे और इनके भी शुरुआत हो चुकी है, इनके भी लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगे। ठीक है, सो ये है आज की कलेक्टिव एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की। होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।